नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप है और मिस्टर वीके इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अबे तू की क्या बुलाएगा मोए, मैं मैं अपने यहाँ पे ही आ जाता हूँ। कैसे रही? हाँ अपने हाँ तो यहाँ भाई आया तू, बाद मैं में तो बात हाँ कर लेंगे। तू, मुझे पता है तू आ जाता है, कहीं भी आ जाता है अबे भाई। अभी तू चला जा, काय को जाऊँ वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी। ऐसे है चला के जा भाई, कैसे ना, दिक्कत मैं ना है? जाऊंगा, बिल्कुल ना नहीं आएगा जाऊंगा मतलब? ना है ना। ठीक है भाई। खैर दोस्तों, ये तो जाने वाला है नहीं, तो यार कंटिन्यू करते वीडियो को। तो वीडियो में हम बात करेंगे जियो फोन के बारे में। खैर बात नहीं, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हमारे इस जियो फोन अच्छा की। है कहाँ पे जियो फोन, कहाँ जियो है, फोन कहाँ रख दिया मैंने, लेके आता हूँ एक मिनट कहाँ है जरा। जियो मैं फोन है लेके आ, जल्दी जा, वहाँ रखा है मैंने, बताया तो हम बात करेंगे, अनबॉक्स करेंगे इस टेढ़ा पकड़ा जियो, टेढ़ा। टेढ़ा पकड़ा हाँ जियो फोन की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। लेकिन साथ ही साथ हम बात कर लेते, आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे पहले 2 या 1.5 महीने पहले जियो फोन की अनबॉक्सिंग आई थी, उनमें से आपने बहुत सारी देख ली होंगी। और खैर सोच रहे होंगे इस वीडियो को आप क्यों देखेंगे। सही बात है, मैं वो सोच रहा हूँ, मैंने हाँ तेरी तो वीडियो देखी, मैंने भी देखी वही बता दो रहा हूँ, वही ढाई बता महीने रहा हूँ। पहले। हाँ हाँ तो बात ऐसी है कि ये जो फोन है, ये जो फोन इस वक्त मेरे हाथ में है, ये जो फोन वो यूनिट है जो रिटेलर्स सेल करते हैं। यानी कि जो पहले आपने वीडियोस देखी थी 1.5 या 2 महीने पहले, वो रिव्यूअर्स को मिलती हैं रिटेल स्टोर पे फोन अच्छा जाने से अच्छा पहले। और वो जो मॉडल थे वो इस वाले मॉडल से डिफरेंट थे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। और ठीक बढ़ते हैं है हमारी भैया, अनबॉक्सिंग की जरूर तरफ। देखेंगे, चल तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास हमारा जियो फोन का बॉक्स, जो कि रेड कलर के बॉक्स में आता है। यहाँ पर जियो की ब्रांडिंग और जियो फोन का ही एक पिक्चर देखने को मिलती है। वहीं अगर फ़ोन के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है डिज़ाइन इन इंडिया फॉर इंडिया। वहीं लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है जियो फोन इंडिया का स्मार्टफोन, और जो मॉडल है वो छोटा सा लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं F90M। वहीं फ्रंट में जियो मीडिया केबल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि आपको इस बॉक्स में देखने को नहीं मिलती है, जो आपको अलग से बाई करनी होगी। वहीं नीचे साइड में जो है आपको फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सभी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर जियो सर्विसेज हैं, जाके आपको यहाँ सारी जियो के ऐप्स देखने को मिलते हैं, माई जियो, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो म्यूज़िक और जियो स्टोर, जहाँ से कि आप जो है बाकी सारे ऐप्स को शायद डाउनलोड कर सकते हैं। जियो शेयर, जियो सिनेमा वगैरह देखने को मिलता है। वहीं बात करें जियो के फीचर्स के बारे में जियो फ़ोन की, तो यहाँ आपको HD वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ़ोन है वो VoLTE और 4G सपोर्टेड है। 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, GPS, ब्लूटूथ आपको यहाँ मिलता है, वायरलेस FM रेडियो, वाईफाई कनेक्टिविटी और इनबिल्ट NFC अगर आप यूज़ करते हैं जियो पे को। वहीं अगर आप फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलती है 2.4 इंचज़ की QVGA TFT डिस्प्ले, जिसका विजुअल एंगल कोई ज़्यादा खास नहीं है। कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, बैक में मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट में 1.3 मेगापिक्सल का VGA कैमरा। बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 2000 mAh की लार्ज कैपेसिटी वाली बैटरी, जो कि आपके फ़ोन को पावर देगी और लंबे समय तक चलाएगी। 512 MB रैम और 4 GB की रोम आपको देखने को मिलती है। इस फ़ोन में आपको SD कार्ड सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और आप जो SD कार्ड इसमें सपोर्ट करता है वो है 128 GB तक का, और जो 3.5 mm का हेडफोन जैक या ऑडियो जैक जो मुझे पसंद है वो भी इसमें है। वहीं यहाँ पर आपको कोने में देखने को मिलता है पावर्ड बाय KaiOS, यानी जो फ़ोन है वो मोजिला के KaiOS पे रन करता है। तो करते हैं बॉक्स को ओपन, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स बॉक्स को खोलते ही आपको सबसे पहले जियो फोन देखने को मिलता है। इसे निकालते हैं बाहर, तो हाथ में लेते ही ये फ़ोन है काफ़ी हाथ में सॉलिड फील होता है, मेट ब्लैक कलर में ये आपको फ़ोन देखने को मिलता है, और ये जो फ़ोन है काफ़ी अच्छा है। मैं अभी थोड़ी देर तक इसे रखते हैं अभी साइड में और पहुंचेंगे यहाँ पर वापस। तो इस बॉक्स में जो है आपको एक चार्जर देखने को मिलता है, ट्रैवल चार्जर, जो कि बेसिक सा चार्जर है। इसके साथ आपको कुछ मैनुअल वारंटी कार्ड्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि कोई नहीं पड़ता फ़िलहाल, मेरे पास वो है भी नहीं। खैर अब लौटते हैं चार्जर पर, तो चार्जर को हम खोलेंगे और देखते हैं ये जो चार्जर है वो किस तरीके का है। तो यहाँ चार्जर को देख सकते हैं, ये चार्जर है वो स्टैंडर्ड चार्जर है लाइट की ब्रांडिंग के साथ, और जो रेटिंग है वो है 5 वोल्ट 0.7 एम्पियर की। और जो चार्जर आप देख सकते हैं चाइना में बना हुआ, शेंजेन में बना हुआ ये चार्जर है। ऑब्वियसली जो डिवाइस पूरा बना था वो चाइना में ही बना है, इंडिया में कुछ नहीं बना है। तो लौटते हैं हमारे फ़ोन की तरफ,
तो ये जो फ़ोन है उसके फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो ये जो फ़ोन काफ़ी सामने आपको जियो की ब्रांडिंग और कीपैड देखने को मिलता है, 1, 2, 3, 4 वाले नंबर्स, और यहाँ पर आपको कुछ बटन्स और देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहाँ देखेंगे फ़ोन के इस बटन को, अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ आप जो जियो पे एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली खुल जाएगी। वहीं अगर आप राइट साइड में जो टॉप में बटन है उसे अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपका माई जियो ऐप जो है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर आपको एक मिलता है बड़ा सा होल जो कि एक माइक्रोफोन है, जिससे कि आपकी जो कमांड होगी वॉइस कमांड वो लेगा। पीछे आपको लाइव की ब्रांडिंग, लाउड स्पीकर देखने को मिलता है और ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ आपको देखने को मिलता है 0.3 मेगापिक्सल का एक VGA कैमरा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वहीं और अगर आप देखेंगे यहाँ साइड में तो यहाँ आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, जो कि आपको चार्जिंग में और जियो मीडिया केबल को कनेक्ट करने में इस्तेमाल होगा। तो खोलते हैं इस फ़ोन के बैक को जो कि रिमूवेबल है, और देखते हैं अंदर से ये फ़ोन आपको कैसा दिखता है। तो फ़ोन का बैक तो रिमूव हो चुका है, और यहाँ बैक को रिमूव करते ही जो फ़ोन बाकी जो बैक है वो प्लास्टिक का, ऑब्वियसली पूरा फ़ोन प्लास्टिक का है। यहाँ बैटरी जो है वो लाइफ की है, और जो बैटरी की रेटिंग अगर आप देख पा रहे तो जो 2000 mAh की बैटरी है, और जो बैटरी है उस पर भी लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तो सब कुछ चाइना का ही बना हुआ इस फ़ोन में आपको मिलेगा ऑब्वियसली। तो बैटरी जो लिथियम आयन की बैटरी है, और बढ़ते हैं आगे तो इस फ़ोन में आप जो है देख सकते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलता है एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, और साथ ही एक सिम स्लॉट मिलता है, जो कि सिम आप इंसर्ट करेंगे इसमें वो होगी नैनो सिम, और ये एक सिंगल सिम फ़ोन है। साथ ही अगर आप देखेंगे फ़ोन में तो वहाँ मेड इन चाइना लिखा हुआ है, और नीचे की साइड आपको यहाँ 3.5 mm का जैक भी मिलता है। तो करते हैं फ़ोन को बूट, देखते हैं इसकी बूट एनिमेशन, और बाकी अंदर से आपको फ़ोन किस तरीके का दिखेगा वो भी देख लेंगे। और इस रेड कलर के बटन को आप अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो बूट होगा। तो करते हैं लॉन्ग प्रेस और बूट करते हैं फ़ोन को। तो बूट करते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर की स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, और नीचे लिखा है पावर्ड बाय KaiOS, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया गया वो KaiOS है मोज़िला का। तो थोड़ी देर वेट करते हैं इसके फ़ोन को बूट करने में। तो यहाँ आप जियो की पिक्चर देख सकते हैं जो जियो लिखा हुआ आया है। तो यहाँ जो फ़ोन है वो मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, जो फ़ोन है आपको कुछ इस तरीके का दिखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ बीच वाला बटन प्रेस करते थे, आप पहुँचते हैं आप अपने सारे ऐप्स में, जियो के सारे ऐप, जियो TV, जियो सिनेमा, चलते बढ़ते हैं सीधे सेटिंग्स में और देखते हैं हमें इस फ़ोन में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ जो है नेटवर्किंग कनेक्टिविटीज़ में आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो एयरप्लेन मोड में आप स्विच कर सकते हैं, मोबाइल डेटा को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ से वाईफाई आप इसमें आपको देखने को मिलता है, ब्लूटूथ है, और NFC का फीचर भी यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर्सनलाइजेशन में साउंड, डिस्प्ले, सर्च और काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर आपकी बेसिक सेटिंग्स जो है अपने फ़ोन की, डेट एंड टाइम की, लैंग्वेज की, इनपुट मेथड की, वो सब यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाते हैं तो स्क्रीन लॉक, ऐप परमिशन वगैरह यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। स्टोरेज में मैंने आपको बताया 4 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलते हैं, जो एप्लीकेशन स्टोरेज यहाँ पर है वो 1 GB की इसमें है, मीडिया स्टोरेज और USB स्टोरेज भी आप इसमें एक्सटर्नल फिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो है आप पहुँचते हैं डिवाइस में, तो डिवाइस इंफॉर्मेशन, डाउनलोड और बैटरी स्टेटस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं डिवाइस इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पर जो है मॉडल वो है F90M, सॉफ्टवेयर वर्जन अगर आप देखेंगे KaiOS 2.0, और लीगल इंफॉर्मेशन और मोर इन्फॉर्मेशन दो ऑप्शन आपको अच्छा मिलते हैं। चलते हैं मोर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अपने फ़ोन की फुल इन्फॉर्मेशन, मैक एड्रेस, IMEI नंबर, हार्डवेयर वर्जन, KaiOS का जो फुल वर्जन नेम है वो सब कुछ यहाँ, बिल्ट नंबर वगैरह सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो भैया वो तो कछु अनबॉक्सिंग ही करके चलोगे, मुँह तो कहोगे कि भैया क्या कहते हैं वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, तो ऐसे ये बटन ऐसा होता है ऊपर का अंगूठा, सो वो लाइक कर दियो, और नीचे लाल कलर सब्सक्राइब बटन मिले बाय दबा के सब्सक्राइब कर लियो चैनल को, चाहे कछु है जाएगा जैसे का के लिए उलत रहते हैं लाल सब्सक्राइब बटन के लिए, और बस जब वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दियो अपने दोस्तों के संग, और कछु सवाल ववाल हो जाए बारे में तो नीचे काय में बताएं भाई, कमेंट, हाँ कमेंट सेक्शन में बता दियो, पूछ लियो हम बता देंगे, और बस मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ख्याल रखो और बस।